हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ रविंद्र दहिया एंड फ्रेंड्स आई एम फ्रॉम सिवा काउंसलर्स। और आज हम जिस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं वो है चैप्टर 7, द नेकलेस फुट प्रिंट्स विदाउट फिट बुक से। और ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और इस चैप्टर के अंदर हमें बहुत बड़ा लेसन भी सीखने को मिलेगा। बट फ्रेंड्स, चैप्टर में आगे बढ़ने से पहले, समरी को आगे ले जाने से पहले, मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से, और अगर आपने अभी तक बेल आइकन को नहीं दबाया है तो दबा लीजिए ताकि आने वाले सभी अपडेट जो है आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल सके। तो चलिए जानते हैं कहानी के अंदर क्या है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी तीन कैरेक्टर्स के आसपास घूमती रहती है। दो उनमें से मेजर कैरेक्टर हैं, एक कैरेक्टर उनमें से माइनर है लेकिन उसका भी एक इम्पोर्टेंट रोल है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है मैटिल्डा का, जो कि कहानी की हीरोइन है या कहानी की सबसे मेन कैरेक्टर है। उसके बाद है उनके हस्बैंड मिस्टर लॉयजल और एक उनकी फ्रेंड है मैडम फॉरेस्टर। मैटिल्डा को मैडम लॉयजल भी यहाँ पर कहा गया है क्योंकि हस्बैंड के नाते उसका नाम जो है वो मैडम लॉयजल ही है। और चलिए देखते हैं कहानी के अंदर क्या है और क्या हम इसे सीख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैटिल्डा जो है एक प्रेटी लेडी है और जिनको कि हमेशा इस बात का दुख रहता है कि भगवान ने उनको एक ऐसी फैमिली में भेज दिया जिस फैमिली के पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है खर्च करने के लिए उनके ऊपर। और बाद में फ्रेंड्स, शादी जिसके साथ होती है उसके हस्बैंड भी एक मिडिल जो है क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन उनके हस्बैंड के बारे में एक स्पेशलिटी ये है कि वो बहुत ज़्यादा सिंपल और हार्ड वर्किंग है और हमेशा अपनी वाइफ को खुश देखना चाहते हैं और उनको हमेशा खुश करने की कोशिश भी करते रहते हैं। अब वो अक्सर उनकी तारीफ करते हैं, जब वो डिनर कर रहे होते हैं तब उनके खाने की तारीफ करते हैं, तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि मैटिल्डा को दुख ना हो। लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा पैसे उनके पास नहीं थे और मैटिल्डा को इसी बात के ऊपर, यानी कि अपनी पॉवर्टी के ऊपर, अपनी गरीबी के ऊपर बहुत ज़्यादा वो हमेशा सैड रहती थी, तो एक दिन उनको खुश करने के लिए उसके हस्बैंड जो है वो एक इन्विटेशन कार्ड लेकर के आते हैं। उस पर एक बड़ी पार्टी का इन्विटेशन था, उन दोनों को इन्वाइट किया गया था बड़ी पार्टी पर। उसके हस्बैंड को लगा कि शायद मैटिल्डा ये सब देख करके खुश हो जाएगी, लेकिन इसका उल्टा होता है फ्रेंड्स, वो खुश नहीं होती, वो और ज़्यादा सैड हो जाती है और उसको लगता है कि अब हम कितने गरीब हैं। मीन्स कि वो उसको बताने की कोशिश करती है कि पार्टी अच्छी है बट मेरे पास हमारी गरीबी के कारण ऐसी कोई यूनिफॉर्म या कोई ड्रेस ही नहीं है जिसको पहन करके मैं पार्टी को एंजॉय करूं और जो दूसरी वहां पर पार्टी में लेडीज़ होंगी उनके इक्वल थोड़ी सी मैं मैचअप हो सकूं। तो उसको इस बात का जो है उसको बड़ा दुख रहता है। तो इसके ऊपर क्या करता है, उसका हस्बैंड जो है उसको अपने 400 फ्रेंक्स जो है वो दे देता है कि आप इनको खर्च कर दीजिए, कर लीजिए और इनसे कोई अच्छी सी ड्रेस आप खरीद लीजिए, बट ऐसी ड्रेस खरीदा जिसको कि हम बाद में डाल सकें क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं होते हैं कि वो हर ओकेजन पर एक नई ड्रेस ले सके। ऐसे में मैटिल्डा को थोड़ी सी खुशी मिलती है, वो मार्केट जाती है, एक ड्रेस खरीद भी लेती है, लेकिन जब पार्टी के टाइम की बात आती है तो जब वो ड्रेस को पहनती है तो वो फिर से दुखी होती है और वो फिर से कहती है कि फिर से हमारी पॉवर्टी हमारी खुशियों के बीच में आई और पॉवर्टी इस तरीके से बीच में आई कि मेरे पास ऐसी कोई ज्वेलरी नहीं है कि वो इस ड्रेस पर सूटअप हो सके। ऐसे में उसके हस्बैंड के पास बहुत ज़्यादा पैसे तो थे नहीं, तो वो सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी एक फ्रेंड है जिनका नाम था मैडम फॉरेस्टर, आप उनके पास जाओ, उनसे, उनके पास बहुत सारी ज्वेलरी हैं, वो बहुत ज़्यादा रिच भी हैं, आप उनसे कोई भी एक ज्वेलरी थोड़ी देर के लिए ले सकती हैं, बाद में हम उनको लौटा देंगे। तो वैसा ही करती है, अपनी फ्रेंड के पास जाती है और वहाँ पर एक अच्छा सा नेकलेस जो है वो पसंद करती हैं और नेकलेस को पसंद करके उसको पहन करके घर आती हैं और फिर पार्टी में जाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी दिख रही होती हैं। वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं सभी उनको देख रहे होते हैं, उसकी तारीफ कर रहे होते हैं, उससे बात करने की कोशिश कर रहे होते हैं और ये सब देख करके, इस सब के बाद मैटिल्डा बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जब वो पार्टी से निकलते हैं, बाहर आते हैं, उसके जो हस्बैंड है वो एक कैब बुलाने की कोशिश करते हैं, कैब वहाँ नहीं मिलती है तो वो पैदल चलना जो है स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कहानी के अंदर एक इंटरेस्टिंग टर्नआउट भी आता है। टर्नआउट क्या है, वो टर्नआउट ये है कि जब वो घर पहुँचते हैं और वो जब कपड़े उतार रही होती है और ड्रेस चेंज कर रही होती है, उसको लगा, उसने फील किया कि शायद मेरे गले में अब वो नेकलेस नहीं है। और नेकलेस नहीं है तो दोनों के दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत ज़्यादा इस बात को लेकर के वर्ड हो जाते हैं, वापस आते हैं, उसके हस्बैंड देख करके आते हैं कहाँ कहीं पर रास्ते में तो नहीं गिरा दिया या कहीं कपड़ों में नहीं जो है वो हैंग अप हो, हर तरह से वो ढूंढने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं मिलता। पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी कराते हैं लेकिन उनको वो नेकलेस नहीं मिलता है। फ्रेंड्स, अब उनकी चिंता और ज़्यादा तब बढ़ जाती है तब वो मार्केट जा कर के ट्राई करते हैं उस नेकलेस का रेट, और उस नेकलेस का जो रेट था फ्रेंड्स वो था 40,000 फ्रेंक्स, 40,000 फ्रेंक का वो नेकलेस था। और ये देख करके वो बहुत ज़्यादा टेंशन में दोनों के दोनों हो जाते हैं, लेकिन अल्टीमेटली उनको वो नेकलेस देना ही था अपनी फ्रेंड को क्योंकि वो मांग करके लेकर के आए थे, और इसलिए वो अब कोशिश करते हैं कि कैसे न कैसे करके पैसे
कहाँ से अरेंज किए जाए। 18,000 francs जो है वो उसके हस्बैंड के पास थे, जो उनके फादर ने उनके लिए छोड़ दिए थे, तो वो भी इन्वेस्ट कर देते हैं, बाकी का वो उधार लेते हैं और उस पैसे को पूरा करने के लिए फ्रेंड्स वो उस घर से किसी दूसरे छोटे घर में शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ जा करके वो एक जो है लो लेवल की लाइफ जो है स्पेंड करते हैं, ना अच्छा खाना, खुद से सारा काम करना, मटेरियल खुद सारे काम करने पड़ते हैं, बाहर से बकेट लेकर के पानी भी भरना उसको स्टार्ट करना पड़ा, उसके बाद झाड़ू पोछा सब काम उसने खुद से करने स्टार्ट कर दिए ताकि वो कहीं ना कहीं से थोड़े थोड़े पैसे बचा सके। उसके हस्बैंड ने भी एक्स्ट्रा टाइम जो है वो ऑफिस में देना स्टार्ट कर दिया ताकि वहाँ से भी कुछ पैसे और हम बचा सके। इस तरीके की लाइफ जो है उनकी लगभग 10 साल चलती है, 10 साल में जो है वो इतने पैसे वो पूरे कर पाते हैं। अब 10 साल के बाद मटिल्डा देखने में उतनी सुंदर नहीं थी, वो थोड़ी सी सख्त बन चुकी थी, कठोर हार्ड लेडी बन चुकी थी, काम बहुत ज़्यादा उसने किया और अब वो थोड़ी सी ओल्ड एज भी दिखाई पड़ती थी। तो एक दिन वो जब रोड से जा रही होती है तो उसको अपनी फ्रेंड मैडम फॉरेस्टर दिखाई देती है, उन दोनों का कन्वर्सेशन होता है और उस कन्वर्सेशन में वो बात करते हैं पिछले 10 साल पहले हुए एक हादसे की और मटिल्डा उसको याद दिलाती है कि आपसे हमने एक नेकलेस लिया था, उसने कहा कि लिया था, उसको बताती है कि वो हमसे एक्चुअली खो गया था और हमने जो है 36,000 francs का वो खरीद करके आपको दिया था, क्योंकि वो 40,000 francs का था और जो शॉप ओनर थे उसने उनको 36,000 में वो बेच दिया था। तो 36,000 rupees का उन्होंने हार जो है वो लौटाया। ये बात सुनकर के मैडम फॉरेस्टर को हंसी भी आती है और वो हैरान भी होती हैं और उसको बताती है रियलिटी कि रियलिटी ये थी कि वो डायमंड असली नहीं थे उसके अंदर जो यूज किए गए थे और वो जो हार था वो इट वॉज नॉट मोर देन 500 francs, वो 500 से ज़्यादा का नहीं था। और ये जान करके मटिल्डा भी हैरान होती हैं, लेकिन अब समय बीत चुका था और अब कुछ हो भी नहीं सकता था और एक उनकी एज का उनके टाइम का एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड जो है वो इस चीज़ में जा चुका था उनके इस तरीके की लाइफ में। तो फ्रेंड्स शिक्षा हमें क्या मिलती है कि हमें अगर मटिल्डा ने जो है वो कोशिश करी होती, या तो वो हार मांगती ही ना, लेकिन उसने मांग भी लिया था, अगर उसने हिम्मत करी होती सच बोलने की और अपनी फ्रेंड को सच बोल दिया होता कि ऐसे करके मेरे से आपका हार जो है वो मैंने गुम कर दिया है, अब क्या होगा, शायद उनकी लाइफ में ये हार्ड टाइम ना आता। हमारी लाइफ में फ्रेंड्स कई बार ऐसी कंडीशन आती हैं कि जब हम थोड़ी सी हिम्मत करते हैं या उस चीज़ को क्लैरिफाई कर लेते हैं तो कुछ प्रॉब्लम से जो है हम बच सकते हैं। तो प्रयास करें जिंदगी में हमेशा सच का साथ दें, सच का पक्ष लें, अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं तो उसको एडमिट करें, उसको जो सुधारने का प्रयास करें, उसको छुपाएं ना, क्योंकि छुपाने से हर प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती है। तो फ्रेंड्स एक बार फिर से आपको कहना चाहूँगा मैं कि सभी चैप्टर्स के टेक्स्ट को जरूर पढ़ लीजिए सो दैट कहानी पूरी तरह से आपको क्लियर हो जाए। हाँ, कहानी का एक ओवरऑल जो विजन है वो मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। आई होप यू लाइक द वीडियो, इफ यू लाइक द वीडियो देन सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक, थैंक यू।